अभी होप थे कि वो बाहर आएंगे, लेकिन एक्चुअली वो एवरी ईयर 12:30 या 1 PM को ही आते हैं। उनका अंदर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद फैंस के साथ करेंगे बाहर। सो मे बी आएंगे, इतने दूर से आए, फैंस को डिसअपॉइंट तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनके फैंस आउट ऑफ कंट्री से भी आए, आउट ऑफ अहमदाबाद, आउट ऑफ इंडिया, सब जगह से आए। रईस तो जब भी आएगी सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ देगी, क्योंकि SR के फैंस ही नहीं, SR के हेटर्स से लेके कॉमन पीपल सब लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं। तो हम सब भी उसके लिए वेट कर रहे हैं कि उसका जल्दी उसका कोई ट्रेलर या फिर कोई न्यूज ऐसा कुछ भी आ जाए। इवन आई हैड अ स्पेशल टैटू ऑफ हिज नेम ऑन माई हैंड, वंस SR की एंड ऑलवेज SR की। Only English. Today is Shahrukh Khan's birthday, and tell me something about today's birthday. Oh, yes. Happy birthday, Shahrukh ji. I love you so much from Japan. Happy birthday, Shahrukh ji. I'm always watching at you, and see you in Japan. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday, dear senior. Happy birthday to you. Happy birthday, Shahrukh sir. Happy birthday, Shahrukh. We love you. बहुत जी दिल तो टूटा है, नहीं आए, बट क्या है, अभी आ जाएंगे, कल देखने मिल जाएगा। वो फैंस को कभी निराश नहीं करते, बड़ी उम्मीदों से हम लोग आए थे, सोचे थे हर साल मिलते, हर साल हमको लगा आज भी आ जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेट नहीं आए। इंशाल्लाह कल मिलेगी किस्मत हुई तो। भी हम लोग नाराज नहीं हुए, उनको मालूम है सर आएंगे कभी ना कभी, मिलेंगे हम, देखेंगे हम, उनका बर्थडे पे केक काट लिया भी बहुत है हमारे लिए। डिस अपॉइंटमेंट तो है कि हम नहीं मिल पाए, बट कोई बात नहीं। इनकी आने वाली फिल्म जो है रईस, बहुत 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 ज्यादा क्रेज है उनकी पिक्चर देखने का, रईस पिक्चर की। भाई जान को बहुत अच्छा डायलॉग भी आता है, डायलॉग बोल के बताएंगे भाई। रईस का डायलॉग हम जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब यही मेरा धंधा है और यही मेरा मजा। बनिया की क्या बनेगा भाई की डेयरिंग, एक नंबर। ये इमारत मैराथन इनोवा है, ये बाजू में आप देख सकते हो मैराथन इरा रेसिडेंशियल टावर है, और यहाँ पे एक मैराथन आइकॉन कॉरपोरेट ऑफिस, ऐसे तीन कॉरपोरेट ऑफिस प्लस एक रेसिडेंशियल टावर, एक माड़ा का टावर है। यहाँ पे आने जाने के लिए, और यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे आने जाने के लिए दो ही एक्सेस है, एक नारायण मिल गली और एक ड्रेनेज चैनल रोड। लेकिन ये दोनों रास्ते इस तरह से कंजेस्टेड है कि वहाँ से कोई भी अगर जीवित हानि होती है या कोई भी घटना होती है, एक कार पास होने के लिए उनको एक 10 मिनट लगता है। ड्रेनेज चैनल रोड से कंपाउंड के अंदर आने तक उनको 10 से 5 मिनट लगती है सिर्फ गाड़ी हटाने में। तो इस कारण अभी हमारे यहाँ पे जो आग लगी थी मैराथन इनोवा को, जो 10 माले पे आग लगी थी, लेकिन वो 10 माले की आग 9 माले पे आई, 8 माले पे आई, 7 माले पे आई। फायर फाइटिंग के सब गाड़ी, अग्निशामक दल के गाड़ी सब बाहर खड़ी थी, लेकिन उनको भाई पार्किंग के कारण गाड़ी को अंदर आने के लिए बहुत सारी दिक्कतें हुई। ये सब गाड़ियां हटाने के बाद उनको अंदर आने के लिए जगह मिली। तो कल आगे जाकर अगर इस तरह की कोई स्थिति होती है, ये समझो आज कॉरपोरेट ऑफिस बंद था, अगर समझो ये कॉरपोरेट ऑफिस अगर चालू होता तो जीवित हानि भी इसमें हो सकती थी, ताकि तुम्हारे AC के सिलेंडर जो थे वो बड़े पैमाने में फूटे हैं। हाँ,
यहाँ पे हमारे कॉर्पोरेटर मैडम भी आई है, उनका भी अच्छा कॉपरेशन रहता है। मैं उनको भी बोलूंगा कि ये समस्या जो है वो आप भी इधर रखे। गैस एक चार गैस सिलेंडर ऊपर के फूटे, एसी के कंप्रेसर के, एसी कंप्रेसर एक तो एक फ्लोर के फूटे और एक नाइन फ्लोर के फूटे। आपका बेसिकली इशू क्या है, मतलब जो दूसरा गेट है? दोनों गेट बेसिकली इतना बड़ा अंदर एम्पायर होने के बाद, इतना बड़ा एम्पायर जब होता है तो इसका स्टेज बनाया गया था जहाँ पे, यहाँ पे कोई स्टेज वगैरह ऐसा कुछ नहीं, नारायण नहीं वहाँ पे पंडाल है, वो एक फंक्शन होता है, लेकिन उस फंक्शन की अड़चन किसी को नहीं है। अड़चन ये चीज की है कि जब ऐसा कुछ हादसा होता है, जो परमिशन पुलिस देती है, डिपार्टमेंट देता है, तो ये सब सेफ्टी देखती कि नहीं देखती है? अगर कल कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी आती है? तो उन लोग ने पेन कागज उठाया और सीधा परमिशन दे दिया। जिस रास्ते को क्लोज करने है वो रास्ता कहा जाता है, उसके अंदर कितने लोग रहते हैं? मेरा तो कहना आपको गाड़ी हटा लिए गए, मेरा तो आज भी वही कहना है कि जो सिस्टम एक सिस्टम से नहीं बनता है, इसमें तीन या चार सिस्टम काम करते हैं। एक सिस्टम एक्टिवेट होते है तो नहीं होता है, दूसरा सिस्टम जो पुलिस और ट्रैफिक, वो लोगों ने भी हमारे साथ काम करना चाहिए, क्योंकि हमने बार बार कितना विजिट किया है, कितनी बार बोला है, कितना गाड़ी बंद है, कैसा रखा है, लेकिन वो होता नहीं है। वो टोइंग करके लेके जाना चाहिए, दो चार बार गाड़ी उठा के लेके जाता तो वो लगाएंगे नहीं, लेकिन वो सिस्टम में सबने एक ही एंगल से काम करना चाहिए तो ही होगा। एक अकेले नगर सेविका या अकेला कोई दूसरा सिस्टम काम नहीं कर सकते। बीएमसी भी उतनी ही जवाबदार है और करना चाहिए, और हम करके लेते हैं, उनसे करके लेते हैं, लेकिन जो सिस्टम कायदे का कानून का होता है वो भी हमारे साथ आते हैं, तो जल्दी इसके ऊपर अमल हो जाएगा।